नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्नोलॉजी हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A50s की। तो चलिए फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। फ्रेंड्स, हमारे पास इसका प्रिज्म क्रश ब्लैक कलर है। बॉक्स के पीछे एक तरफ कुछ हाईलाइट फीचर्स मेंशन किए गए हैं, जिसमें आपको बताया गया इसमें इन्फिनिटी वो डिस्प्ले, ट्रिपल कैमरा, ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे ऊपर हमें एक इसका मोबाइल का केस, कुछ डॉक्यूमेंटेशन और सिम इजेक्टर टूल हमें देखने को मिलता है। फिर आता हमारा स्मार्टफोन, उसके बाद हमारा चार्जिंग अडेप्टर, फिर आती हमारी सैमसंग की टिपिकल ईयरफोन और ये हमारी USB टाइप सी डाटा केबल। ये देखिए फ्रेंड्स, मोबाइल के ऊपर से ये अपन उतार लेते हैं। मोबाइल देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए पीछे की तरफ हमें इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, उसके नीचे में फ्लैश लाइट, फिर हमें सैमसंग की ब्रांडिंग। अगर हम नीचे की बात करें तो इसमें हमें 3.5 mm का हेडफोन जैक, चार्जिंग पोर्ट, माइक और स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। राइट साइड में हमें पावर बटन और वॉल्यूम बटन देखने को मिलते हैं। लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो इसमें हमें सिम ट्रे मिलती है, जो कि ट्रिपल कार्ड सिम स्लोट है। तो चलिए फ्रेंड्स, मोबाइल को ऑन कर लेते हैं। अगर हम इसमें पीछे ही बात करें तो आपको इसमें पीछे ट्रिपल कैमरा मिलता है, जो कि 48 MP का है F2 अपर्चर के साथ। फिर आता हमारा 8 MP का, जो कि वाइड एंगल के लिए हमारा जो कैमरा दिया गया है। फिर हमारा 5 MP जो कि डेप्थ इन के लिए कैमरा है। फ्रंट में हमें इसमें 32 MP का कैमरा मिलता है, जो कि F2.0 अपर्चर के साथ है। अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो आपको इसमें इन्फिनिटी यू सुपर एमोलेड फुल एच डी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। इस डिस्प्ले में आपको कलर करेक्शन और डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर हम इसके कैमरा की बात करें तो मैंने कुछ कैमरा सैंपल से लिए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसका 4x जूम में फोटो जो है कैप्चर की है। ये फ्रंट कैमरा के साथ बोके मोड के साथ फ़ोटो कैप्चर की है, ये विदाउट बोके के साथ है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैक कैमरा के साथ मैंने बोके मोड के साथ फ़ोटो कैप्चर की है, ये विदाउट बोके के साथ। और ये वाइड एंगल के साथ मैंने फ़ोटो इसमें कैप्चर की है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके इंटरनल मेमोरी या रैम की बात करें तो आपको इसमें 4GB रैम, 128GB इंटरनल मेमोरी देखने को मिलती है, जिसका प्राइस है 22,999 रुपये। और एक आता है 6GB रैम, 128GB इंटरनल मेमोरी, जिसका प्राइस है 24,999 रुपये। फ्रेंड्स, अगर हम इसके वर्जन की बात करें तो आपको इसमें एंड्रॉयड 9.0 विथ सैमसंग वन UI के साथ हमें देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके वेट की बात करें तो आपको इसमें 169 ग्राम का वेट मिलता है। देखने में काफ़ी हल्का मोबाइल है, कोई ज़्यादा हैवी वेट नहीं है और लुक काफ़ी प्यारी दी गई है फ़ोन की। अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो आपको इसमें 4000 mAh की बैटरी मिलती है विथ 15W टाइप सी फास्ट चार्जिंग के साथ। फ्रेंड्स, ये गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। इसमें सैमसंग का लेटेस्ट एक्जिनोस 9600 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि 10 nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया गया है, ना ही मोबाइल होल्ड करने में ज़्यादा हैवी लगता है और काफ़ी अच्छी लुक जो कि फ़ोन में दी गई। हमें इसमें 3 कलर देखने को मिलते हैं, एक वायलेट, ब्लैक और वाइट कलर हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये पॉलीकार्बोनेट बॉडी का बना है, जो कि काफ़ी मजबूत हैंडसेट आपका। आप इसमें एक्सपेंडेबल जो मेमोरी इसकी 512 GB की है। और फ्रेंड्स, अगर हम इसमें बात करें तो आपको इसमें ड्यूल 4G मोबाइल जो कि हमें मिलता है, आप 2G सिम आप इसमें रन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा मोबाइल है। कैमरे वगैरह की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छे इसमें कैमरे दिए गए हैं, प्रोसेसिंग काफ़ी अच्छी है, गेमिंग आप इसमें काफ़ी अच्छे से गेम खेल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसमें एक और बात है, इसमें आपको पावर बटन, अगर आपको पावर ऑफ फोन करना है तो आपको ऊपर से करना होगा, क्योंकि इसमें पावर ऑफ के लिए कोई बटन नहीं दिया गया। अगर इसको आप प्रेस करके रखोगे तुम्हारा विक्स भी ऑप्शन हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस यही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।